अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। नमस्कार, मैं हूं मैथिली ठाकुर। बिहार के सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप सभी अपने मत के अधिकार एवं महत्व को समझते हुए बढ़ चढ़कर इस बार लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 में मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र के महात्योहार में मतदान देने के लिए मैं भी तैयार हूं, और अगर मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। धन्यवाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। जसौली के जंगल में बाघ ने किया हमला, एक की मौत। लोकसभा चुनाव में बॉर्डर सील होने के कारण जंगल के रास्ते से घर आने के लिए अपनाया रास्ता। बीटीआर से मोहन सिंह की रिपोर्ट। बीटीआर जसौली के जंगल में बाघ की हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भांगा थाना क्षेत्र सिसवा तातपुर जसौली निवासी शंभु महतो का पुत्र दीपेंद्र महतो को गुरुवार की देर रात बाघ की हमले में मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह उस समय कोहरा मच गया जब वन कर्मी द्वारा पेट्रोलिंग के समय ओरिया नदी के पास शव को देखा और ग्रामीणों की सूचना दी। पहले तो लोग पहचान नहीं पाए, फिर गहन छानबीन करने के बाद लोगों ने पहचाना। तुरंत भांगा पुलिस व मऊरा रेंज के रेंजर को सूचित की। आनंद फानंद में घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। रेंजर सुनील पाठक ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही घटना की अधिक जानकारी मिल पाएगी। मृत्यु कैसे हुई अभी कहना मुश्किल है कि बाघ की हमले से मौत हुई या किसी अन्य कारण से। इधर बीना देवी, प्रभावती देवी, मीरा देवी, रम्या देवी, रंजीत दास, हरि कमल, प्राण कुमार दास, उत्तम दास, रमेश माझी, संजय दास आदि ग्रामीणों ने बताया कि दीपेंद्र की मौत बाघ की हमले से हुई है। दीपेंद्र एक मजदूर था। प्रत्येक दिन की तरह गुरुवार को भी वह नेपाल की विजय बस्ती गांव में मजदूरी करने गया था। शाम को घर वापस आने के क्रम में देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है, तो उसने सोचा कि जंगल के रास्ते से घर के लिए निकल जाता हूँ। इसी दरमियान ढोमाटर जसौली जंगल में अहिर सिसवा के पास बाघ ने हमला बोल दिया, 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। ओरिया नदी के समीप अपार्टमेंट नंबर 427 के पास उसकी शव मिली। इधर थाना अध्यक्ष राहुल प्रसाद ने बताया कि शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सही कारण पता चलेगा। मैं रोहित चौधरी, वज्रपात न्यूज, बेतिया।